साथियों, जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है वो किसानों की जमीन चली जाएगी। किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं, जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला था, उस समय इन लोगों ने क्या किया, ये देश को याद रखना जरूरी है। मैं आज देशवासियों के सामने, देश के किसानों के सामने इन लोगों का कच्चा चिट्ठा भी देश के लोगों के सामने, मेरे किसान भाइयों बहनों के सामने आज मैं खुला करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं। साथियों, किसानों की बातें करने वाले लोग आज झूठे आंसू बहाने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं निहला। इन लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि इनकी सरकार को किसान पर ज्यादा खर्च न करना पड़े, इसलिए इस रिपोर्ट को दबा दो। इनके लिए किसान देश की शान नहीं, इन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए किसान का समय समय पर इस्तेमाल किया है, जबकि किसानों के लिए संवेदनशील, किसानों के लिए समर्पित हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला और इसकी सिफारिशें लागू की। किसानों को लागत का 1.5 गुना MSP हमने दिया।